हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 14 और 15 के लिए। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में तो अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है, सारे चैप्टर्स हो गए थे। बाकी अगर आपको याद होगा तो हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स पोस्ट कर दिए थे और काफ़ी सारे नहीं किए थे, मतलब 50% कर दिए थे और 50% बच रहे थे। तो अब मैं वो 50% चैप्टर्स जो बच रहे थे वो इस सीरीज़ में कवर कर लूँगा। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 और 15 से। 14 है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और 15 चैप्टर है आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एमसीक्यू है, बेसिकली सारे एमसीक्यू है यहाँ पे। फर्स्ट है, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज जायगोट ओवम टेस्टिस या स्पर्म। तो ना जायगोट होता है ना ओवम होता है। जायगोट हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग को, ओवम क्या होता है, क्या कहते हैं, फीमेल जर्म सेल ओवम या एग होता है, ठीक है। टेस्टिस ग्लैंड होता है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बनता है वो है स्पर्म। यहाँ पे जो स्पर्म है वो करेक्ट आंसर है डी पार्ट, जो ह्यूमन मेल जर्म सेल है उसको हम स्पर्म भी कहते हैं। सेकंड, एवरी मंथ डैश मैच्योर एग्स कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ह्यूमन ओवरी। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एक महीने में, मतलब ईच मंथ, ओनली वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ह्यूमन ओवरी। मतलब जो ह्यूमन ओवरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही सेल को रिलीज़ कर सकती है हर महीने, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वन। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन ह्यूमन डॉग काओ या फिश। तो ह्यूमन डॉग और काओ तीनों में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, जबकि फिशेज़ के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जैसे फ्रॉग होते हैं उनके केस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, फिशेज़ के केस में, फ्रॉग्स के केस में, सब में सेम ही होता है कि वो अपने एग्स बाहर ले कर देते हैं और स्पर्म भी बाहर रिलीज कर देते हैं, बाहर ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, और मतलब बाहर फर्टिलाइज हो रहे हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमसे एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे डज नॉट बोला है, ठीक है। कुछ बच्चे एकदम इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ के जल्दी से गेस कर देंगे, तो क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो किस में नहीं होती है, फिश में। फोर्थ, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एग, जायगोट, स्पर्म या इंडिविजुअल। तो एग और स्पर्म तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग और स्पर्म हमारे गैमीट्स होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जायगोट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जायगोट। इंडिविजुअल तो जब जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में, फिर फीटस का जब डेवलपमेंट होता है तो वो एज एन इंडिविजुअल बाहर आता है। नेक्स्ट, फिफ्थ एमसीक्यू, विच वन इज नॉट एन ओवीपेरस एनिमल। इनमें से कौन सा ओवीपेरस नहीं है, हैन, ह्यूमन, क्रो या क्रोकोडाइल। तो देखो, हैन भी, क्रोकोडाइल भी, क्रो भी, तीनों एग्स ले करते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो एग्स ले नहीं करते, वो वीवीपेरस एनिमल्स होते हैं, वो यंग वंस को ही डायरेक्ट बर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हमने पढ़ा था, जिससे एक टैडपोल फ्रॉग में ग्रो होता है, एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में ग्रो होता है, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा मेटामॉर्फोसिस। सेवेंथ, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछने जा रहा है, थोड़ी सी इंग्लिश की मिस्टेक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स, फोर पेरेंट्स, नो पेरेंट्स या वन पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, डॉली द फेमस एनिमल वॉज अ। तो देखो, डॉली एक शायद आपकी बुक में शायद ही दे रखा है, तो वेल एंड गुड है। द डॉली जो है वो फेमस एनिमल है, जो एक क्लोन्ड शीप है, मतलब ये एक ऐसी शीप है जिसको आर्टिफिशियली क्लोन करके बनाया गया था, ठीक है। मतलब जो स्पर्म और एग थे शीप के, उसे ह्यूमन, मतलब मैन मेड तरीकों से फर्टिलाइज कराया गया था और एक क्लोन्ड शीप बनाई गई थी और उसका नाम रखा गया था डॉली। तो डॉली द फेमस एनिमल वॉज अ क्लोन्ड शीप। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के वक्त न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड फर्स्ट एंड देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड टुगेदर या नो सच रिलेशनशिप। तो देखो, डी पार्ट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो डी में हम नहीं देखेंगे। अब फर्स्ट कह रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। तो आपको अगर पता हो तो सेल डिवीजन कैसे होती है, कि अगर ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है,
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो ऐसे थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, तो जो स्टार्टिंग होती है ना एकदम सेल डिवीजन की, वो स्टार्ट होती है बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ना ही दोनों एक साथ होते हैं और साइटोप्लाज्म तो कभी पहले होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 13 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बडिंग इज फाउंड इन यीस्ट, हाइड्रा, नन या फिर हाइड्रा एंड यीस्ट दोनों में। तो देखो बडिंग जो होती है वो यीस्ट में भी पाई जाती है और हाइड्रा में भी पाई जाती है, तो इसका हम सिंपल आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, हाइड्रा एंड यीस्ट दोनों ही बडिंग के मेथड से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के बाद अब बढ़ते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर नंबर 14 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एमसीक्यू, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड चाइल्डहुड, ग्रोन अप, ओल्ड एज, एडोलेसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडोलेसेंस। ये एक ऐसी स्टेज है चाइल्डहुड और ग्रोन अप के बीच में जहाँ पे हमारी बॉडी बहुत, मतलब जहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो हमें मतलब एकदम फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन एडोलेसेंस। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्रीमेच्योरिटी, पोस्ट एडोलेसेंस, एजिंग। तो देखो ये तीनों टर्म्स में से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपका करेक्ट इसमें एक सिंपल आंसर है, दैट इज प्यूबर्टी। तो ह्यूमन बॉडी में एडोलेसेंस के वक्त काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस ही मार्क करते हैं द स्टार्टिंग या फिर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्यूबर्टी। थर्ड, एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन, एडम्स एप्पल कहाँ प्रोमिनेंट होता है, बॉयज ऑफ एनी एज, गर्ल्स ऑफ एनी एज, एडोलसेंट गर्ल्स या एडोलसेंट बॉयज। तो देखो गर्ल्स में एडम्स एप्पल बाहर नहीं आता, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। बॉयज ऑफ एनी एज में भी नहीं, जो एडम्स एप्पल है वो सिर्फ तभी बाहर आता है जब एक बॉय एडोलसेंट हो जाता है, मतलब 13 या 12 ईयर से ऊपर का हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि देखो एडम्स एप्पल बेसिकली क्या है, वॉइस बॉक्स जब बड़ा हो जाता है ना तो वो नेक से थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो वो बाहर की तरफ इसलिए होता है ताकि हमारा वॉइस बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए और जो हमारी वॉइस है वो थोड़ी डीप हो जाए। देखो बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो गर्ल्स की वॉइस से डीप होती है ना, तो उसका यही रीज़न है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस डीप होती है क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स बड़ा होता है। तो गर्ल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि जो छोटे बॉयज़ होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, जो एडोलसेंट की एज में अभी नहीं आए, उनकी आवाज़ ऑलरेडी पतली ही होती है, तो उनमें भी अभी वो एनलार्ज नहीं होता वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स एनलार्ज होता है एडोलसेंट बॉयज़ में, और एडोलसेंट बॉयज़ में एनलार्ज होने की वजह से इन्हीं एज ग्रुप के लड़कों का एडम्स एप्पल दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, लैरिंक्स को हम और क्या कहते हैं, लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉइस बॉक्स सही है। नेक्स्ट, एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस इज ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर, नहीं, एंजाइम्स नहीं, ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग प्योबर्टी सही ऑप्शन है। आपकी बुक में ऑयल ग्लैंड्स की जगह सेबेशियस ग्लैंड्स दे रखे हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में थ्योरेटिकली लिखे हैं तो सेबेशियस ग्लैंड लिखना क्योंकि वो बेटर वर्ड है और आपकी बुक में भी वही दे रखा है। सो सेबेशियस ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्योबर्टी लीड टू द एक्ने एंड पिम्पल ऑन द फेस। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में ना एक चीज़ ध्यान रख लेना कि लैरिंग्स को अगर ऐसे आता है जैसे वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स, तो अगर आप पढ़ के नहीं गए तो ये मत सोचना कि वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स एक ही चीज़ है, ठीक है। साउंड बॉक्स हम नहीं कह सकते लैरिंग्स को, जस्ट एक जनरल पॉइंट आप में से काफ़ियों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, साउंड बॉक्स को हम नहीं कहते लैरिंग्स, लैरिंग्स इज ओनली नोन एज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन चिल्ड्रेन, फीमेल ओनली, मेल एंड फीमेल्स या मेल्स ओनली। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, चिल्ड्रेन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं, लेकिन चिल्ड्रेंस में टेस्टोस्टेरोन एक्टिव नहीं होता, ठीक है। एक्टिव तब होता है जब वो बॉय, छोटा लड़का, एडोलसेंट बन जाता है, 12-13 ईयर्स की एज ग्रुप में आ जाता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और वो मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है किसी भी गर्ल में उसको हम कहते हैं मेनार्क।
ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मेंस्यूरेशन नहीं होता, मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट बार होता है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। और जब वो कंटिन्यू, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम होता है, कंटिन्यू सॉरी, जब वो फर्स्ट टाइम होता है उसे हम कहते हैं मेनार्च। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, मेनार्च। नेक्स्ट, मेनोपॉज अकर्स एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स इन बॉयज़। देखो बॉयज़ और मैन को तो पहले ही हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन मेल्स में नहीं होता। उसके बाद 10 टू 12 ईयर्स की गर्ल में जो होता है वो होता है मेनार्च, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मेनोपॉज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गई है, और वो होता है 45 टू 50 ईयर्स और वुमेन, 45 से 50 ईयर्स की जब वुमेन हो जाती हैं उसमें होता है मेनोपॉज। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एन एग विद एक्स क्रोमोसोम द ज़ायगोट डेवलप्स इनटू अ डैश चाइल्ड। देखो स्पर्म के पास कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो हमेशा एक्स ही होता है, तो वाई और एक्स मिलकर कौन सा बनाते हैं, वाई एंड एक्स टुगेदर मेक अ बॉय चाइल्ड, सो इट विल बी अ मेल चाइल्ड, या फिर बॉय चाइल्ड हम कह सकते हैं, इट विल बी अ मेल चाइल्ड। अगर स्पर्म में एक्स होता और फीमेल के पास ऑलवेज एक्स ही होता है, तो एक्स एक्स मिलकर बनाते फीमेल चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है मेल। लास्ट क्वेश्चन 10th, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मेटास्टेसिस, मॉर्फोलॉजी, मेटामॉर्फिसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले, मतलब अभी इसी वीडियो में थोड़े टाइम पहले बताया था, लार्वा से जब अडल्ट बनता है कोई ऑर्गेनिज्म तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिसिस। सो मेटामॉर्फिसिस इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 13 और 14, मतलब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और एडोलसेंस रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और चैप्टर के एमसीक्यू कवर कर लेंगे।